मम्मा यहाँ आओ ना, बैठो ना मेरे पास। सोना नहीं है क्या? आओ ना बैठो तो सही। मम्मा एक बात पूछूं? पूछूं। आपकी लव मैरिज हुई थी ना? आज अचानक से क्या हुआ? ऐसे ही बताओ ना। सो आप लोग कैसे मिले, प्यार कैसे हुआ? और आपके जमाने में तो शायद ना मोबाइल था, ना इंटरनेट, व्हाट्सएप, ऐप भी कुछ भी नहीं था। फिर आप लोग डेट कैसे प्लान करते थे? बस ऐसे ही। ना पहली बार कैंटीन मैं अपने फ्रेंड्स के साथ कॉफी पीने आई हुई थी और वो भी अपने दोस्तों के साथ कॉफी पीने आई हुई थी। तो जब मेरी कॉफी खत्म हुई और फ्रेंड्स की, तो बिल पे करने चले गए। क्योंकि ट्रीट मेरी तरफ से थी इसलिए बिल तो मुझे ही पे करना था। मैं वहाँ बिल पे करने गई तो मैंने डेस्क बॉय को पैसे दिए तो बोला मैम खुले पैसे दो। मैंने कहा खुले नहीं है मेरे पास। तो फिर क्या हुआ, फ्रेंड्स ने भी खुले पैसे दिए, मैंने उन्हें भी मना कर दिया कि मुझे घर के किराए के लिए पैसे चाहिए तो उसको खुले पैसे मत देना। तो बहुत बहसबाजी हुई। तो अचानक से कोई आया मेरे पास, तो वो लड़का बोला कि कितने हुए पैसे। मैंने बोला 23 रुपए। तो उसने उठा के वो 23 रुपए निकाल के दे दी और मैं उसे देखती रह गई और वो चला गया। मैंने उसे आवाज भी दी पर मेरी आवाज तो धीमी पड़ गई और उसने मुड़ के देखा भी नहीं। फिर क्या हुआ, आपके दिल में तरंगे उठने लगी, दिल जोर जोर से धड़कने लगा? हाँ कुछ ऐसा ही। अरे इतनी जल्दी कहाँ, अगले दिन जब मैं कॉलेज के लिए निकली तो पीछे से किसी ने हॉर्न मारी। मैंने पलट के देखा तो तेरे पापा थे। वाओ हाउ रोमांटिक, फिर आप शर्मा गए होगे। हाँ थोड़ा सा अजीब तो लग रहा था और मैं डर भी गई थी कि लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे। फिर भी मैं बैठ गई और हम कॉलेज पहुंच गए। फिर कहानी शुरू हो गई आपकी द लव बर्ड। हाँ कुछ ऐसा ही रोज मिलना होने लगा। आप लोग कहाँ मिलते थे? कभी कॉलेज की कैंटीन में, कभी गेट पर, कभी लाइब्रेरी में। अच्छा ये बताओ ग्रैनी और ग्रैंडपाओ का पता चला? अरे पूछ मत, एग्जाम चल रहे थे और मैं किताब पढ़ रही थी। किताब के पन्ने पलटते पलटते उनकी फोटो गिर गई फर्श पर और लग गई पापा के हाथ। ओह माय गॉड, फिर क्या हुआ? महाभारत, भयानक वाला महाभारत। मेरा घर से बाहर निकलना बंद कर दिया, कॉलेज में मुझे पापा छोड़ के आते थे, पूछ मत। और जैसे एग्जाम खत्म हुए लड़कों का देखना आना शुरू हो गया। तू प्यार है किसी और का। बड़ी मुश्किल के दिन थे वो, कहीं मन नहीं लगता था, ना कुछ खाने का ना कहीं जाने का। क्या करते? फिर शादी कैसे हुई? बस वही किया जो हम नहीं करना चाहते। हम भाग गए। भाग गए घर से? और क्या, अगर नहीं भागते तो हमारा प्यार अधूरा रह जाता। प्यार को कभी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। मामा मैं भी कभी अपने प्यार को अधूरा नहीं छोड़ना चाहती। हमें ये देखो राहुल मेरी क्लास में पढ़ता है। मामा पढ़ाई में बहुत अच्छा है, मुझे हमेशा खुश भी लगता है और आगे भी रखेगा। मैं भी अपने प्यार को कभी अधूरा नहीं छोड़ना चाहती आपकी तरह।